हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक मंत्रा डिवाइस को किस प्रकार आप अपने कंप्यूटर में, चाहे आपकी विंडोज 7 जो मैं अभी एनडेक्स से कनेक्ट 8.1 या फिर विंडोज 10 हो, उसपे इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले बेसिकली आराम से दो सॉफ्टवेयर हमें मंत्रा के, एक आरडी सर्विस और दूसरा ड्राइवर, ये दोनों इंस्टॉल करें हमारा काम हो जाता। लेकिन अभी कुछ इशू आती है, बीच में कुछ इग्नोर का ऑप्शन आता है, हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलता है। कभी हमारे इंस्टॉल होने के बाद भी डिवाइस अटैच रिमूव ऑफ पावर रेट टू यूज़ नहीं आता, इंस्टॉल होता है, कैप्चर टेस्ट लेता है, लेकिन जब हम जिस पोर्टल पे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे लाइट जलती ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम ही समझेंगे और इसकी इंस्टॉलेशन सक्सेस करके आपको हम दिखाएंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप मंत्रा के डिवाइस आपके पास है और आपको बहुत ही ज्यादा इशू आ रहा है, आपने कई सारे वीडियो देख चुका है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो के देखने के बाद किसी और वीडियो की शायद ही आपको जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो को और ना लेट करते हो, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है मंत्रा आरडी सर्विस, लिंक इसको दे दो, वहां पर जाना है। और इसके अभी नया वर्जन, पहले 1.0.4 था, अब 1.0.6 इधर हाल फिलहाल मोबाइल में अपडेट आया था। मैं अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ, अक्टूबर 2022। एंड कंप्यूटर के भी सिर्फ ये मैनेजमेंट जो होती है आरडी सर्विस से अपडेट किया न्यू लिख रहा है। इसके बाद ये सॉफ्टवेयर और ऊपर की सॉफ्टवेयर 9.2.0.0, ये दो को कर लेना, मैंने ऑलरेडी कर लिया है, जो यहाँ पे मेरा 1.0.6 और 9.2.0 देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम एक की साइज 21 MB और एक की साइज जो है तकरीबन 5 से 6 MB, हम छोटे वाले को पहले इंस्टॉल करेंगे। राइट क्लिक करना है और रन एडमिनिस्ट्रेटर करके इसे इंस्टॉल कर लेनी है। तो हमारा यहाँ पे जो छोटा वाला फाइल था वो इंस्टॉल इजिली हो गया। इसके अलावा हमें बड़े को इंस्टॉल करना है, राइट क्लिक करेंगे एंड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। काफी सारे लोगों को इशू जो होती है इसी फाइल को इंस्टॉल करने में आती है। तो जैसे इंस्टॉल क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखना रेडी टू इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे एडिशनल टास्क दिखेगा, विजुअल C++ 2013 एंड विजुअल C++ 2015-19 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप जब इंस्टॉल करोगे ना तो बीच में क्या करेगा, यही वेबसाइट से आपके कंप्यूटर के नेट के बेस पे ये दो फाइल को डाउनलोड करेगा और कोशिश करेगा आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की। यहाँ पे 80-90% ऐसी भाई जिनको इशू यही फाइल को इंस्टॉल करने में आता है। इसका भी सिंपल तरीका है कि आपको ये इशू ना आए, सिंपली आपको अपने मंत्रा आरडी सर्विस की वेबसाइट पे जानी है। पहले ये चीज नहीं था, लेकिन अगर आप राइट साइड में 9.2.0.0 के नीचे देखोगे तो आपको दो सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, डाउनलोड रेडिस्ट 2013 एंड डाउनलोड रेडिस्ट 2015-22। इन दोनों को आपको यहाँ से एक एक कर डाउनलोड कर लेना है। जब इसे आप डाउनलोड कर लोगे, मैंने ऑलरेडी ये भी कर रखा है जो हमारे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये हमारा 2013 और ये 2019 करके दोनों सॉफ्टवेयर नाम दोनों की इस प्रकार देखने को मिल जाएगा। अभी जो हम इंस्टॉलेशन काम कर 9.2.0 से हम कैंसिल कर लें, क्योंकि हमें ये दो फाइल पहले इंस्टॉल करना है। तो हम सिंपली इस पे भी राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर पहले इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आपने इंस्टॉल कर चुका है तो भी आप कोशिश करें करने की, आई अग्री एंड इंस्टॉल करेंगे। हमारा C++ 2013 है एंड जब तक ये इंस्टॉल होता है हम वेट कर ले, हो सकता है इसमें आपको थोड़ी सी टाइम भी ले इंस्टॉल में। ख्याल रखिए ये फर्क नहीं पड़ता आपकी कौन से विंडोज 7, 8, 10, जो भी विंडोज, सभी के लिए आपको ये काम कर ही लेनी है। तो हमारे यहाँ पे 2013 वाला सेटअप सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया, क्लोज करेंगे और हमारे यहाँ जो 15 से 19 की है हम इसे भी राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर इंस्टॉल कर लेंगे। तो हमारा ये भी फाइल इजिली इंस्टॉल हो गया है, हम इसे भी क्लोज करेंगे C++ 2015-22। अब क्या करना है आपको, ये जो बड़ी वाली थी मंत्रा की फाइल 9.2.0, अब इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर आप इंस्टॉल की कोशिश करेंगे। हो सकता है अगर कोई इशू आए, देखो यहाँ पे वो ऑप्शन खत्म हो गया, एक्स्ट्रा टास्क जो हमें दिख रहा था अभी जस्ट पहले वो अपने दिख रहा है, बस इंस्टॉल लेगा, बाकी आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है इजिली, जो बेसिक से नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। ख्याल रखिए एक और बात, कई सारे भाई लोगों को ना जब ये इंस्टॉल हो जाता नॉट फाउंड ETC दिखता है, इसे ऑलवेज करके इंस्टॉल कर ले, डिवाइस नॉट फाउंड इजी इरर मारता है। तो आप विंडोज 7, 8, 10 जो भी यूज करो, सिंपली आपको डिवाइस मैनेजर के अंदर प्रिंटर के अंदर आनी है एंड जब मंत्रा डिवाइस लगाओगे तो आपके मंत्रा डिवाइस को यहाँ से एक बार राइट क्लिक कर रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, रिमूव करके फिर से लगाएंगे आपका नॉट फाउंड सीरियल करप्ट इससे आता है वो एरर सॉल्यूशन। इसका मैं पूरा वीडियो दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, हम इसे फिनिश करते हैं एंड यहाँ पे पेज आएगी। अब क्या करना, आपको डिवाइस को कंप्यूटर साथ अटैच करनी है। हमने डिवाइस लगाई, हमारा डिवाइस या डिवाइस मैनेजर शो कर रहा है, बाकी सीरियल नंबर हमारे यहाँ पे वो भी शो कर रहा है। अगर आपको नीचे राइट साइड में कोई पॉप नहीं आता है तो एक बार कंप्यूटर जरूर अपना रिस्टार्ट कर ले और डिवाइस को जरूर निकाल दे।
तो यहाँ पे हमारा डिवाइस जो रिस्टार्ट हो गया है, हम फिर से अपनी मंत्रा की डिवाइस जो हम लगाते हैं, भाई मंत्रा की प्रॉक्सी आई हुई सामने, वेट कर देखते कोई पॉप आता है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि थोड़ी समय के बाद हमारा जो डिवाइस है वो अटैच कर यहाँ पे पॉपअप आ गया है। हम वेट करेंगे, प्लीज वेट, वी कन्वर्ट पब्लिक डिवाइस टू रजिस्टर्ड डिवाइस। एंड उसके बाद यहाँ पे यू सक्सेसफुली कन्वर्ट डिवाइस टू आधार रजिस्टर डिवाइस, काइंडली अनप्लग एंड प्लग अगेन। ये काफी देर के बाद आया है तो आपको लगा के इंतजार करना है। एंड आपको अपनी डिवाइस की बार निकालनी है एंड फिर अगेन इंसर्ट करना है, फिर वेट करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइस रिमूव हुआ, फिर डिवाइस अटैच हुआ। मेरे कंप्यूटर से स्लो है तो इस कारण यहाँ पे देख रहे हैं। अब वेट करेंगे, फार्मवेयर रेडी टू यूज, देखो हमें देखने को मिल गया है फार्मवेयर रेडी टू यूज। ये पॉपअप आने के बाद मैं चैलेंज से खास कहता हूँ कि आप जितने भी पोर्टल जो मंत्रा डिवाइस सपोर्ट करते हैं उन सब पे आपका डिवाइस चलने नहीं, दौड़ने के लिए रेडी है। और स्पेशली मैंने इसे विंडोज 7 इसलिए दिखाया कि काफ़ी मुश्किल होता है विंडोज 7 में किसी भी ड्राइवर को इंस्टॉल करना। तो मेरे बाकी आपकी विंडोज 8, 8.1, 10 है तो ईजिली आपका काम कर जाएगा। काम नहीं करता तो आप अलग अलग यूएसबी में ट्राई करें। बाकी डिवाइस मैनेजर के अंदर आकर मैं जैसे बताया था कि आपकी अगर डिवाइस यहाँ दिखती है सीरियल करप्शन मारता जिससे रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, रिमूव कर एंड फिर से डिवाइस को निकाल के लगा, पीसी को रीस्टार्ट करके देखें, आपका इजीली काम कर जाएगा। और ख्याल रखें दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले जैसे मैं तरीका पूरी वीडियो में बताया हूं, वीडियो को फिर से देख लेना, ना समझ आए इशू आए तो आप देख सकते हैं। बाकी आपके डिवाइस करप्ट सीरियल नंबर करप्टेड इसी आदत बस उसे 2 मिनट अब कैसे फिक्स किया उसके लिए आप सामने वीडियो देख रहे हो तो चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज चैनल लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। चैनल पर नए पहली बार ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।